सो हेलो गाइस, तो आज आपका ब्लॉग मेरे से स्टार्ट हो रहा है। वेलकम टू हैदराबादी ब्लॉगर मॉम। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:30। आपको पता है रमज़ान का मौसम है, इबादत का। तो हम लोग रिलेटिव्स के पास गए थे, इफ्तार की दावत थी वो भी हो गई, फिर सहरी की दावत के लिए उन लोग रिक्वेस्ट करके रोक लिए थे, फिर इफ्तार सहरी दो भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम वापस हमारे घर जा रहे हैं। तो देन वी थॉट कि चलो वीडियो भी बना देंगे, एक छोटा सा ब्लॉग आपको दिखाएंगे हैदराबाद शहर सुबह सहरी के टाइम, वो भी रमज़ान में कैसा रहता। चलो गाइस, लेट्स सी दैट। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्रो तो इन्हों कर दिए शायद मेरा, मैं स्टार्ट न करने से पहले इन्हों रेडी रहते स्टार्ट करने मेरा वीडियो है। तो गाइस, हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे, हम लोग को अभी थोड़ा दावत था सहरी की, तो सहरी का दावत हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो गाइस, हुआ ऐसा कि आज 28 मई है, तो 28 मई हमारी मैरिज एनिवर्सरी है एक्चुअली। तो ऐसा सीन हो गया था कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी मतलब हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल गया था मैं, हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल गया था मैं, 27 था। एंड मतलब गाइस देखो, कभी भी जो है ना, आप एक चीज़ याद रखो, वाइफ कभी भी डेट आज का क्या है जब पूछते ना, सो यू शुड गो बैक टू योर कैलेंडर्स एंड जस्ट चेक आज क्या है। एदर इट वुड बी यू नो मैरिज एनिवर्सरी और योर वाइफ्स बर्थडे और योर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड बर्थडे और योर वाइफ्स पेट डॉग्स बर्थडे, एनीथिंग, आप कुछ भी हो सकता। तो याद रख लो आप, एंड छोटा सा उसमें एक कलर, फेवरेट कलर, तो सब एक डायरी बना लो गाइस, ये सब हस्बैंड के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा प्रॉब्लम ऐसी कुछ हो गया था, मैं भूल गया था सीरियसली। एंड उसके लिए काफ़ी जो है ना मनाना पड़ा, और काफ़ी जो है ना, आई होप आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस पड़ते जब मनाने बैठे। तो ऐसा कुछ हो गया, तो फिर हम लोग सहरी भी हो गई, देन अभी अब जा रहे हैं। मनाने के पड़ता इनको, मतलब अभी नो दुबई लेके जा रहे मेरे को, नहीं तो अमेरिका को, नहीं तो और बताओ। तो गाइस देखो, ऐसे टाउन रहते कभी भी देखो याद रखो, नहीं तो ऐसे टाउन फेस करना पड़ता। अब गाइस दुबई जा रहे हैं हम लोग की टिकट हो गई कार में दुबई लेके जा रहे हैं। ऐसा हो गया गाइस, तो बस एक छोटा सा बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी का छोटा सा डेट याद नहीं रखते। देखो याद रखने के लिए बहुत सारे चीज होते हैं हमारे पास, देखो हस्बैंड के पास, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई नो आप लोगों के पास भी होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट, बट ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे पास रहते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू नो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा यू नो शेड्यूल सोचना पड़ता, बहुत सारी चीज रहते, आई होप समझ सकते, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, वुमेन्स को कुछ नहीं रहता, कुछ काम नहीं रहता, कुछ धाम नहीं रहता, बस इन लोग से गिफ्ट लेते रहते हैं और इन लोग से जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सच है या झूठ है, और आप लोग बताए तो यू नो वी कैन शो आर पावर, पावर वुमेन, पावर मैन पावर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हो जाता गाइस, सम टाइम इट हैपेंस, भूल जाते हैं। चलो इस साल माफ कर दिए तुम्हारे को, अगले साल तुम याद रखेंगे, मैं भूल जाऊँ। मैं इस बार अभी क्या करूँगा, मैं इसको ना गूगल क्लाउड में भेज दूँगा, वहाँ पे शेड्यूल करके रख दूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम क्लाउड से, पूरे बादलों से, आसमानों से है मेरे को रिमेम्बर के लिए एक मैसेज आएगा इंशाल्लाह कि 27, 28 इज टुमारो योर मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज। तो ऐसा हो जाता टेंशन में, मैनेज करना पड़ता। तो या तो ये हमारी सजा हो गई आज, चलो सजा वजा सब भूल जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गाइस चलिए, आप लोग वीडियो देखिए, हैदराबाद देखिए थोड़ा बहुत हमारे वीडियो में, तो ये सहरी के बाद कैसा दिखता हम लोग आपको दिखाएंगे रमज़ान में स्पेशली। तो चलिए मेरे साथ। हाय गाइस, तो आज हमारे को है ना एक ज़बरदस्त चीज़ मिली, मतलब बहुत अच्छे यू नो वेरी सेंटिमेंट थिंग एक्चुअली। हैदराबाद में बेसिकली एक शहरी में उठाने के लिए ऐसा कुछ होता, यहाँ पे शहरी में ऐसा उठाते, एक बार उठा के दिखाया।
तो ये शहरी में उठाने का है, तो ऐसी आवाज़ से घर घर जाके आप लोग शहरी के लिए उठा देना। ये बहुत साल से चलते आ रहा ना, कम से कम 100 ईयर से चलता, मतलब कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। तो इसमें जो है ना, इसमें साइकिल पे पूरे कॉलोनी में फिरते फिर के जो है ना पब्लिक को उठाते, शहरी करो बोल के आवाज़ देते, कॉलोनी में पूरा फिरते। तो भाई लग हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो वी फाउंड देम हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साइकिल में एक और जा रहे हैं। तो सिर्फ लोग साइकिल पे जाते पूरा कॉलोनी में पूरा, आपको अलार्म नहीं जैसा एग्जैक्ट टाइम पे ऑन टाइम हमेशा, कभी आज तक धीरे कभी लेट होना ऐसा कभी ना, एग्जैक्ट टाइम पे उठाते गए। सो गिव ए लाइक टू देम। अभी तक शॉप्स ओपन रखे हैं लोग रमज़ान के महीने, नहीं तो 10 बजे 9:30 तक बंद हो जाते हैं। ये होटल्स भी ऑलमोस्ट खुले हैं। देखिए छोटे छोटे शॉप्स पूरे ओपन हैं। शहरी के बाद में भी ग्रेट जॉब, गुड वर्क। देखो बेचारे शहरी के बाद में भी सो रहे। तो गाइस देखिए लोग रोज़ा रह के भी शॉप फजर तक खुली है। तो गाइस एट लास्ट बहुत उम्मीदों के साथ, मन्नतों के साथ और क्या क्या उसके साथ हमारी कार यहाँ तक आ गई। ये देखो हमारे पीछे क्या है, द ग्रेट चार मीनार। देखो गाइस, यस वी हैव मेड टू कम टिल चार मीनार। तो ये सारा अपने पीछे जो है ये चार मीनार है, एंड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टॉल्स अभी भी ओपन हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं रमज़ान में अंदर। ये देखिए हमारा चार मीनार। आप लोगों के लिए, आप लोगों के वीडियो के लिए, यू नो वी हैव सैक्रिफाइज आवर स्लीप एंड वी जस्ट केम टू शो यू चार मीनार। See here, there are a lot of things. Who said China sleeps in Ramadan? No, wrong. You can get everything here. See here, you can get everything. My God, seriously, can you just check? Can you imagine? I just managed to come till Char Minar. See ya, guys. Char Minar. Yes, you need to sacrifice your sleep to come here. Bags. अभी 5 बजने आ रहे हैं, अभी भी शॉप्स ओपन हैं। तो जो हैदराबाद के बाहर है लोग को रमज़ान में बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा शॉप करने के लिए। हम लोग आप लोग के वीडियो के लिए सहरी करके निकल गए। हाँ लाइट 25% शॉप्स बंद है, बट फुल वीडियो बनाएंगे शॉर्टली बोलो।
सो गाइस देखिए 5:30 हो रहा, तो हम लोग अभी चार मीनार पे है। ऑलमोस्ट शॉप्स अब बंद हो रहे। अब तो गाइस चार मीनार का फुल ब्लॉग आएगा जल्दी, ये तो जस्ट एक इंट्रो था चार मीनार का। देखो गाइस स्टिल आप देख सकते हैं बहुत सारे शॉप्स अभी भी ओपन हैं, आप परचेस कर सकते हैं। एंड टाइम इज ऑलमोस्ट 6 AM अभी। देखते देखते मॉर्निंग 6:30 हो गए, तो हम लोग जस्ट चार मीनार दिखाने के लिए आए थे, नाइट शॉपिंग वगैरह। ये देख सकते हैं आप चार मीनार यहाँ पे, तो डन। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को नींद भी आ रही, तो घर जा रहे हैं हम लोग। तो चैनल पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो गाइस, लाइक करो प्लीज़। ये छोटा सा ब्लॉग चार मीनार का वैसा दिखा, आप लोग को पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, कमेंट कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।